हेलो गाइस। तो गाइस कुछ लोग घर की जो लाइट है उसको गाइस कुछ इस तरीके से ऑफ करते हैं और गाइस कुछ लोग इस तरीके से करते हैं और जो इस जो अल्ट्रा प्रो लेवल के लोग हैं तो गाइस वो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो गाइस आज मैं आपको कुछ इस तरीके से करके दिखाऊंगा। मतलब गाइस यहाँ पर मुद्दे की बात गाइस यहाँ पर ये है। तो गाइस आज हम एक आईआर रिमोट कंट्रोल बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम बनाएंगे। ये इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट होगा। इस पहला पार्ट में हम समझेंगे कैसे एक आईआर रिमोट उसकी जो पार्टनर है लाइक मान लीजिए एक टीवी के साथ कैसे काम करता है। मतलब चैनल को चेंज कर सकता है, कैसे वॉल्यूम को अप डाउन कर सकता है, कैसे मेनू ओपन कर सकता है, आज हम वही समझेंगे वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। तो गाइस चलिए इसके लिए हम चाहिए एक नोटबुक। तो गाइस ये हमारा नोटबुक। देखिए यहाँ पर एक टीवी और यहाँ पर एक आईआर रिमोट कैसे काम करता है। तो गाइस सिंपली हमारा टीवी है, उसके बाद गाइस देखिए हमारा रिमोट है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, तो गाइस जब भी हम यहाँ पर रिमोट पे कोई बटन प्रेस करते हैं तो गाइस वो टीवी कैसे कैच करता है। तो गाइस टीवी पे एक आईआर रिसीवर लग रहता है, ठीक है, एक आईआर रिसीवर है, एक थ्री लेग वाला आपको एक आईआर रिसीवर देखने को मिलेगा टीवी में। तो गाइस एक आईआर रिसीवर बहुत तरीके से होता है, जो एलईडी है उसकी तरह भी हो सकता है। काम कैसे करता है देखिए, तो गाइस जब भी हम रिमोट पे कोई बटन प्रेस करते हैं तो गाइस रिमोट एक तरीके जो इन्फ्रारेड रे सेंड करता है जो गाइस जो आईआर रिसीवर कैच करता है। इन्फ्रारेड रे गाइस मैं अपनी भाषा में कहूंगा प्रोटोकॉल। तो गाइस अगर हम इस प्रोटोकॉल को डिकोड कर लेंगे तो गाइस तभी हमारा काम बन जाएगा। तो गाइस हमें इस प्रोटोकॉल को डिकोड करने के लिए थोड़ा कोड भी लेना पड़ा। तो गाइस कोड सुन के बहुत सारी भाई लोगों के मन में डर सा भी आ जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप भी संदीप मसी सर की तरह बोलो, आसान है। और गाइस मेरे वीडियो को एंड तक देखो तो अभी गाइस आपको समझ में आ जाएगी, आसान है। चलिए आप यहाँ पर हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको डिकोड कर लेते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल है। तो गाइस पहले यहाँ पर मैं सर्किट बांध लेता हूँ अपने पीसी पे, ठीक है। तो गाइस ये सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं मैं यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ। तो गाइस सिंपली यहाँ पर एक आईआर रिसीवर यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर एक आर्डिनो और यहाँ पर एक आईआर रिमोट। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हो तो गाइस यहाँ पर एक आर्डिनो है, यहाँ पर एक आईआर रिसीवर, यहाँ पर एक आईआर रिमोट है। तो इससे हम जो डिकोड बोले वही निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाइए तो गाइस आर्डिनो आईडी जाइए, तो गाइस हम प्रोग्राम लिखेंगे, हमारा जो सीरियल मॉनिटर है उसमें हमें जो डिकोड बोले तो गाइस हम आउटपुट लेंगे। तो गाइस चलिए मैं फटाफट सर्किट डायग्राम को बना लेता हूँ। सिंपली मैं पर एक बेड बोल लेता हूँ, उसको मैं इसका अंदर लगा लेता हूँ। उसके बाद गाइस हमें चाहिए कुछ जंपर वायर, इसको मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस हमें चाहिए एक आर्डिनो। तो गाइस सिंपली हमें क्या करना है, हमें जो डाटा पिन है तो गाइस उसको मैं यहाँ पर आर्डिनो की जो पिन नंबर 3 है उसके साथ कनेक्ट कर दूँ। तो गाइस आपको सर्किट डायग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप फाइल में मिल जाएगा गाइस, या तो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मिल सकता है, ठीक है। डिकोड सर्किट है वो तो यहाँ पर रेडी हो चुका है। उसके बाद गाइस हमें चाहिए सिंपली एक आईआर रिमोट और गाइस हमें आर्डिनो पे थोड़ा कोड को अपलोड कर देना है। इसलिए सिंपली जो पोर्ट है उसको मैं यहाँ पर आर्डिनो में प्लग करता हूँ, उसके बाद इसी पोर्ट को मैं अपनी आर्डिनो में प्लग करूँगा उसको, उसके बाद गाइस मैं कोड को अपलोड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने समझ लिया कैसे एक आईआर रिमोट और एक आईआर रिसीवर काम करते हैं। उसके बाद हमने सर्किट भी बना लिया। तो गाइस यहाँ पर जो मेन काज मतलब जो कोड है लिख लेते हैं, उसके बाद उसको अपलोड भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कोड को अपडेट कर लिया, उसके बाद गाइस हमें चाहिए एक आईआर रिमोट। तो गाइस ये हमारा टीवी का रिमोट है। तो गाइस आप हमें हमारा जो आर्डिनो आईडी है उसका हमें सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेना है। तो गाइस लीजिए हमारा जो आर्डिनो आईडी है उसको ओपन कर लिया। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर आपको लिख कर है सीरियल मॉनिटर, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस देखिए ना आपको ठीक से यहाँ पर बॉर्डर भी सेट करना है, यहाँ पर बॉर्डर 9600। उसके बाद गाइस देखिए गाइस जब भी मैं यहाँ पर कोई बटन प्रेस करूंगा तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो उसका डिकोड भी हमें देखिए हमारा जो आर्डिनो जो सीरियल मॉनिटर है उसमें हमें मिलता रहेगा। तो गाइस देखिए हमें मिल गया एक का, उसके बाद यहाँ पर दो का, यहाँ पर तीन, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10, + आपको हर एक बटन की यहाँ पर जो डिकोड भी आपको लिस्ट बाय लिस्ट आपको मिलता रहेगा।
तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर आप क्या करना है, आपको हर एक, तो गाइस यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। तो गाइस मान लीजिए यहाँ पर एक काबिर चाहिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको अपना जो नोट पैड है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट बाय लिस्ट आपको आपको हर एक जो पोर्ट मिला है उसको आपको सेव कर लेना है आपकी नोट पैड में, ठीक है। तो इसको आपको सेव करके रखना है और सेव कर देना, ठीक है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तो गाइस इसी टॉपिक के ऊपर, तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, अगर आपको किसी भी पार्ट में समझ में आया तो गाइस नीचे कमेंट और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको सर्किट डायग्राम, आपको कोड, आपको सब कुछ, आपको टेलीग्राम चला या तो आपको डायरेक्ट में मिल जाएगा, मतलब मिलेगा, ठीक है, आपको कोई वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं।